तो मुझे ये बताएं कि जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर्स हैं, आपको लगता है कि वो अपना जो कल्चरल ड्रेस है उसमें नजर आते हैं हम लोगों को? तो वैसे ही अखरोट सा, उसको तो वैसे ही पेंट कोट अच्छा नहीं लगता। खान साहब तो चलो पहले माशाल्लाह जाते थे, आप माशाल्लाह वो भी कपड़े में आ गए, शलवार कमीज में, जो हमारा इस्लामी ड्रेस है। तो आप देखें ना, अगर कल्चर, अगर हम खुद कफील हों, अगर हम इतने स्ट्रांग हो, तो हमारा जो जो वर्किंग है, हम वो हमारे सादा लिबास हो, लेकिन नहीं जी, कोट शोट लगा गए, टाई लगा गए, बूट शूट, यार वो बंदा फोन नहीं कर सकता तो वो क्या करे, लेकिन नहीं, हम पे थोपा गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर हॉलीवुड की बात की जाए तो वो इंडियन कल्चर का बड़ा ज्यादा करते हैं, मतलब कि उनकी सारीज वगैरह, उनको गानों वगैरह में भी मेंशन किया जाता है इंडिया को स्पेशली। अब फीफा की बात की जाए तो उसमें भी इंडिया को मेंशन किया जाता है, पाकिस्तान कहाँ पर चला जाता था? वो अर्निंग है ना, मसला ये है कि वो अर्निंग है, आप उन्हें अर्निंग दो, आप उन्हें वो उनका रिस्पांस दो, उससे ज्यादा डबल दो, फोकस आप पे होगा, वो इंडिया पे फोकस नहीं है, वो उनके जो पैसे पे फोकस है। हाँ ना, ये तो मसला है। अभी ये देखे ना, आप मुझे 5,000 दें, मैं जिसका कहेंगे नारा लगा दूँ। पाकिस्तानी कौम ऐसी है, हमारा एक माइंड सेट ऐसा हुआ हुआ है, हम बिरयानी के डब्बे पे वोट देने वाली कौम है। तहजीब लेके आप बैठ गए, नहीं ये वो लोग ही नहीं तहजीब वाले। अच्छा, तो आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है कि हमारी जो तहजीब और सकाफत है वो नजर आएगी हमें? अच्छा, मदर्स के साथ आपको जहाँ फिर नजर आ रही है, आप बताएं। नहीं यार, मुझे तो नहीं आ रही, आप बताएं ना, आपका तो डेली का काम है। सही, अच्छा आपको नजर नहीं आ रही, क्यों नजर नहीं आ रही है? देखें जी, बात फिर वहीं पे आ जाती है, ये टिकटॉक वगैरह से, ये जितने भी बेखुदा ये हॉलीवुड बॉलीवुड के आप नाम ले रहे हो, जितनी भी बेखुदा ड्रेसिंग है, वो आपके फैशन डिजाइनर उसको कॉपी करते हैं, आपको शादी पर ठोक देते हैं, आप पहन लेते हैं, वो आपका तहजीब है। मैं यहाँ से हल्का सा फाड़ लेता हूँ, मेरा वो कल्चर मान जाना है। मस्त जोक। जय हिंद दोस्तों, निशम ब्याक में आपका स्वागत है। जिस तरीके से इस बंदे ने आज इस पाकिस्तान को रोस्ट किया है ना, इतने मुझे नहीं लगता अभी फिलहाल में किसी और ने ऐसे रोस्ट किया होगा। आखिरकार इसने एक सच्चाई भी बता दिया कि पाकिस्तानी लोग की हरकतें और उनकी औकात क्या है। उसी के साथ आखिरी जो बोलते हैं ना चेरी और आइसक्रीम, वो तारिक फतेह अली साहब का कमेंट है जो आपको आगे में सुनने मिलेगा। लेकिन उसके पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए। G20 की जो प्रेसिडेंसी है वो इंडिया को मिली है, क्या लग रहा है आपको, क्या चैलेंज होगा इंडिया के लिए और क्या होप्स क्या हो सकती हैं उनके लिए? कोई चैलेंज नहीं उनको, दी फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बाय द टाइम द नेक्स्ट G20 इज हेल्ड इन नॉर्दर्न जम्मू कश्मीर, कहां लद्दाख में हो रही है शायद बेस जी। आप तितर बितर लोन माफ करवाने के लिए कटोरा लेके घूमते रहेंगे, वो कटोरे बनाने की फैक्ट्री बने हुए, वो एड लेते नहीं है डिजास्टर में। अगर आपको याद हो इनके जो सुनामी आई थी, क्या दे रिफ्यूज टू टेक एनी आउटसाइड। क्या बात, क्या बात, क्या बात।